हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई, मारुति एस्प्रेसो का रेड एडिशन आप लोगों के सामने है, क्योंकि एसेसरीज लगा के इस गाड़ी का जो VXI प्लस टॉप मॉडल है उसको कहीं ना कहीं रेड एडिशन में तब्दील करने की जो कोशिश है वो की गई है, और क्या क्या इस गाड़ी में लगाया गया है वो सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ मारुति एस्प्रेसो पे भाई जबरदस्त कैश डिस्काउंट आपको मिल सकते हैं दिसंबर 2022 में, और ये गाड़ी रेडी अवेलेबल भी आपको मिल सकती है। अगर VXI प्लस में फीचर्स की बात करें तो हेलोजन हेडलाइट आपको मिलती है, फोग लैंप्स इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं, ब्लैक कलर का बड़ा सा नीचे वाला बम्पर आपको मिलता है, स्किड प्लेट एज एसेसरीज गाड़ी में लगाई गई है, और जो मेन ग्रिल है वो भाई बॉडी कलर के एक्सेंट के साथ में आपको मिलती है, लेकिन रेड कलर का जो यूज है वो एज एसेसरीज किया गया है। तो जो फ्रंट लुक है वो देखने में आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। साइड में अगर बात करें तो 14 इंच के ब्लैक कलर के स्टील रिम व्हील कवर के साथ में आपको मिलते हैं, कोई भी बॉडी क्लैडिंग आपको गाड़ी में नहीं मिलती है। साइड मोल्डिंग और जो रनिंग बोर्ड गार्निश है वो भाई एज एसेसरीज गाड़ी में लगाई गई है। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ABS और EBD के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। भले ही टॉप मॉडल है लेकिन जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको फेंटर पे ही मिलता है। बॉडी कलर में ORVMs आपको मिल जाते हैं, और जो बी पिलर है वो भाई शेस ब्लैक टेप के साथ में आपको मिलता है। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन साइड में जो रेड कलर की टिपिंग का यूज किया गया है उससे लुक में थोड़ा सा फर्क यहाँ पे जरूर पड़ता है। और जो छत है वो भी भाई ब्लैक एंड ग्रे फिनिश के साथ में यहाँ पे दी गई है, जो कि एसेसरीज का पार्ट है, और रियर स्पॉइलर भी रेड कलर में दिया गया है। इसीलिए मैं इस गाड़ी को कहीं ना कहीं रेड एडिशन कह रहा हूँ मारुति एस्प्रेसो का। टोटल मिला के इस गाड़ी में 37,000 की एसेसरी लगी है, और साइड में ब्लैक एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो भी देखने में भाई काफी बढ़िया लगता है। हेलोजन में ही जो टेल लैंप्स हैं वो आपको एस्प्रेसो में मिलती है, सिल्वर स्किड प्लेट पीछे भी एड ऑन की गई है, पार्किंग सेंसर और जो रिफ्लेक्टर हैं वो पीछे आपको मिल जाते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है, और जो रिवर्स कैमरा है वो भी एज एसेसरीज मारुति एस्प्रेसो में भाई लगाया गया है। तो जो ओवरऑल लुक है मारुति एस्प्रेसो की वो इन एसेसरीज के साथ में भाई चेंज यहाँ पे लगती है। अब बात कर लेते हैं चाबी की, तो लॉक और अनलॉक बटन के साथ में रिमोट कंट्रोल चाबी आपको मिलती है, लेकिन दूसरी चाबी भाई नॉर्मल ही आपको यहाँ पे मिलती है। अंदर चलें तो दरवाजा आपको ब्लैक कलर के इंटीरियर के साथ में मिलता है, बोतल होल्डर और स्पीकर आपको दरवाजे पे मिल जाते हैं, ब्लैक फिनिश के साथ में डोर हैंडल स्मार्ट लॉक सिस्टम मिल जाता है, और भाई हार्ड मटेरियल के साथ में जो हैंड रेस्ट है वो आपको मिलता है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके कि कंट्रोल्स डैशबोर्ड पे आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है, बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं, और जो सीट कवर है वो भी एज एसेसरीज गाड़ी में लगाए गए हैं रेड स्टिचिंग के साथ में। फिक्स हेडरेस्ट ही आपको एस्प्रेसो के टॉप मॉडल में मिलते हैं, और जो डैशबोर्ड है वो भाई पूरा का पूरा ब्लैक फिनिश के साथ में आपको मिलता है। ड्राइवर के राइट साइड में आइडल स्टार्ट स्टॉप और जो ORVMs के कंट्रोल है वो आपको मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश के साथ में एसी वेंट्स मिलते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। ड्यूएल एयरबैग के साथ में गाड़ी आती है, किसी भी तरह का सिल्वर फिनिश का यूज नहीं किया गया है, और स्टीयरिंग को भाई आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि फिक्स टाइप स्टीयरिंग आपको गाड़ी में मिलता है। और ये है भाई गाड़ी का MID मीटर, जो कि सेंटर में आपको मिलता है, डिजिटल MID मीटर दिया गया है, और एक नोब दी गई है जिससे कि MID की जो डिटेल्स हैं वो भाई आप आसानी से चेक कर सकते हैं। रेंज है, एवरेज है, डिस्टेंस टू MPT है, वो फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी के बिल्कुल पास में एसी वेंट्स प्लेस किए गए हैं। उसके नीचे आए तो आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 2 स्पीकर के साथ में, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB और ब्लूटूथ से ये सिस्टम कनेक्ट हो सकता है, और बढ़िया जो टच रेस्पॉन्स है वो भाई गाड़ी में आपको मिलता है। साथ ही साथ जो सेंटर कंसोल की लुक है वो भी टच स्क्रीन से और भी बढ़िया आपको मिल सकती है। 2 पावर विंडोज आपको मिलती है, जिसके की कंट्रोल्स यहाँ सेंटर कंसोल पे आपको मिलते हैं। अगर सेंटर कंसोल को देखें तो सिल्वर फिनिश का जो रिंग है वो आपको भाई यहाँ पे दिखाई देता है। मैनुअल AC और हीटर दोनों ही गाड़ी में दिए गए हैं। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट, USB और ऑक्स का जो पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी आती है, और पीछे भी एक बोतल होल्डर
या कप होल्डर भाई आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड में भी फोन वगैरह रखने की जो जगह है वो आपको मिलती है। नॉर्मल ग्लोबॉक्स आपको मिलता है जिसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आसानी से रख सकते हैं। और जो डैशबोर्ड का डिजाइन है वो भी भाई देखने में काफी बढ़िया लगता है। नॉर्मल IRVM आपको मिलता है, कैबिन लाइट आपको मिल जाती है, माइक्रोफोन मिल जाता है, और जो वैनिटी मिरर है वो भाई को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे ही आपको मिलता है, ड्राइवर वाले पे नहीं मिलता है। फिक्स ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं और कैबिन में कोई भी दूसरी लाइट इस गाड़ी में नहीं दी गई है। ये था इस गाड़ी का फ्रंट कैबिन। अब चलते हैं रियर में, तो रियर दरवाजे पे भी ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है। नॉर्मल विंडो का हैंडल दिया गया है। बोतल होल्डर और जो स्पीकर लगाने की जगह है वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती है। और भाई ये है मारुति एस्प्रेसो की रियर सीटिंग। काफी बढ़िया सीटिंग है, ऊंची सीटें हैं वैगनार की तरह, तो बड़े आराम से आप इसमें बैठ सकते हैं। फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है, सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर इस गाड़ी में नहीं दिया गया है। बेंच फोल्ड के साथ में जो रियर सीट है वो इस गाड़ी में आपको मिलती है। स्पेस की बात करें तो स्पेस भाई मारुति एस्प्रेसो में काफी बढ़िया है, वैगनार की तरह स्पेसियस कार है और अपने स्पेस के चलते ये गाड़ी काफी ज्यादा बिकती है। बढ़िया लेगरूम और बढ़िया थाई स्पोर्ट आपको गाड़ी में मिलता है और तीन लोग अगर नॉर्मल साइज के हैं तो आराम से गाड़ी में पीछे बैठ सकते हैं। रियर सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफी अलग सी जो लुक है वो डैशबोर्ड की आपको मिलती है। बूट की बात करें तो जो लीवर है वो ड्राइवर सीट के बिल्कुल आगे आपको मिलता है और पीछे चाबी लगा के भी आप भाई बूट को खोल सकते हैं। 240 लीटर का जो बूट स्पेस है वो एस्प्रेसो में आपको मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए भाई अच्छा खासा साबित हो सकता है। कोई भी हैंगिंग हुक वगैरह या जो लाइट है वो आपको बूट में नहीं मिलती है। और बूट फ्लोर के नीचे आपको मिलता है 14 इंच का स्पेयर व्हील जो कि ब्लैक कलर का स्टील रिम है और बाकी के टायर्स के जैसा ही आपको गाड़ी में मिलता है। फ्रंट से लेकर रियर तक के मारुति एस्प्रेसो की जो लुक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इंजन की बात करें तो मारुति एस्प्रेसो में 998 cc, 65 bhp, 89 Nm टॉर्क और 24.76 km पर लीटर की माइलेज के साथ में 3 सिलेंडर K10C डुअल जेट VVT पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि बढ़िया पावर गाड़ी को देता है। साथ ही साथ जो माइलेज है वो भी आपको भाई जबरदस्त मिलती है, यानी कि 24 की माइलेज काफ़ी बढ़िया आपके लिए साबित हो सकती है। उसके बाद एसेसरी की जो कॉस्ट है वो भाई 37,000 रुपये, जो कि डिटेल्स आप लोगों के सामने है कि क्या क्या चीज़ें गाड़ी में लगी है। अगर प्राइस की बात करें तो एस्प्रेसो के VXI प्लस यानी कि टॉप मॉडल की जो एक शोरूम कीमत है वो है 5,49,000 रुपये और ये गाड़ी नॉर्मली आपको ऑन रोड पड़ती है लगभग 6,25,000 की, लेकिन 70,000 तक का जो कैश डिस्काउंट है वो इस गाड़ी पे आपको मिल सकता है। उसके बाद ये गाड़ी आपको केवल 5,55,000 में या 5.5 लाख रुपए में भी भाई ऑन रोड मिल सकती है हरियाणा रजिस्ट्रेशन के साथ में। तो अगर आप भी मारुति एस्प्रेसो लेना चाहते हैं दिसंबर 2022 में बढ़िया डिस्काउंट्स के साथ में, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं। उसके अलावा मारुति एस्प्रेसो भाई बढ़िया गाड़ी है, स्पेस बढ़िया है, लेकिन जो लुक्स हैं वो कई सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि लुक्स के मामले में भाई सबकी पसंद अलग अलग होती है और हम किसी का भी नहीं कह सकते कि किसको कौन सी गाड़ी पसंद आ सकती है। हो सकता है किसी को मारुति ऑल्टो पसंद आ जाए और हो सकता है किसी को फॉर्च्यूनर भी पसंद ना आए, तो पसंद की बात सबकी सोच पे, सबकी पसंद पे डिपेंड करती है। वो आप क्या सोचते हैं वो भाई आप अपने हिसाब से गाड़ी ले सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।